मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पन्ना जिले के पबई के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे पबई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में यहां पर वोट मांगेंगे, आम सभा करेंगे, जनता से अपील करेंगे। और बता दें कि पबई के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में उनकी आम सभा होगी। आम सभा के दौरान वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो 15 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पन्ना जिले में वो आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होने हैं, ऐसे में लगातार बीजेपी दिग्गजों का दौरा जारी है। और पन्ना जिले के पबई दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे पबई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और यहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में वोट मांगेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और बता दें कि पबई के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में उनकी आम सभा होनी है, यहां पर वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर आपको बता दें, पन्ना जिले के पबई के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे पबई पहुंचेंगे सीएम योगी। और बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में आम सभा को संबोधित करेंगे। पबई के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में उनकी आम सभा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 15 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यहां पर वो पन्ना जिले के पबई में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे वो पबई पहुंचेंगे, और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में वोट मांगेंगे, यहां पर वो आम सभा को संबोधित करेंगे। और बता दें कि पबई के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में उनकी आम सभा होनी है, यहां पर कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। तो 15 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पन्ना जिले के पबई के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और हेलीकॉप्टर से सुबह 10:30 बजे पबई पहुंचेंगे सीएम योगी, यहां पर वो आम सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी प्रहलाद लोधी के समर्थन में वो जनता से वोटों की अपील करेंगे। और बता दें कि पबई के महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में उनकी आम सभा होगी।